बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका के मंदार पर्वत घूमने आने वाले लोगों के लिए नई सौगात दी है। मंदार पर्वत के शिखर तक पहुंचने के लिए बनाए गए रोपवे का उन्होंने मंगलवार को उद्घाटन किया। इस दौरान बांका में झमाझम बारिश भी हुई, साथ ही करीब 18 एकड़ जमीन पर मंदार जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का भी शिलान्यास किया। रोपवे चालू हो जाने से जहां मंदार में अब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मालूम हो कि सैलानियों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से मंदार पर्वत पर 7 करोड़ की लागत से बने रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास 20 जनवरी 2015 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बांका आगमन को लेकर अद्वैत मिशन हाई स्कूल के मैदान में बने हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान बांका के डीएम सुहर्ष भगत, एसपी अरविंद कुमार गुप्ता सहित जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी तैनात थे। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, पर्यटन विभाग मंत्री नारायण प्रसाद, ग्रामीण मंत्री जयंत राज, बांका के सांसद गिरधारी यादव, बिहार विधान पार्षद डॉक्टर एन के यादव व डॉक्टर संजीव कुमार सिंह भी मौजूद थे। वहीं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह, कटोरिया विधानसभा के विधायक निक्की हेम्ब्रम, बांका के विधायक सह पूर्व मंत्री राम नारायण मंडल सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।